हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजयलक्ष्मी क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक कुकिंग रेसिपी की वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इसमें आपको भिंडी की सब्जी बनाना सिखाएंगे। भिंडी की बहुत ही नॉर्मली सब्जी बना रहे हैं हम, पर ये बहुत टेस्टी बनेगी क्योंकि हर चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है। तो हम आपको ये सब्जी बनाना बताएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, हमने सरसों का ऑयल लिया है। ये गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लग गया है। अब हम इसमें प्रोसेस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम 1 किलो भिंडी यूज़ करेंगे सब्जी बनाने के लिए, 3 छोटे प्याज, 2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और बाकी का 1 या 2 चम्मच जितना भी आप लेना चाहें सॉल्ट ले सकते हैं। अपने टेस्ट के अनुसार आप मसाले ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे। प्याज डाल देंगे, मैंने बारीक काट कर पहले से रखे हुए थे। ये देखिए, हमें प्याज को सिर्फ बहुत ही लाइट ब्राउन भूनना है क्योंकि बाद में ये भिंडी के साथ भी हल्की हल्की भूनती रहती है और इसका टेस्ट जब ही आता है जब हम इसको थोड़ा हल्का कम भूनते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे, ये हमने पहले से कट करके रखी हुई थी। ये देखिए, अभी हम भिंडी को ऑयल में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो भी मसाले हमने लिए हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डालेंगे और उनको डालकर फिर से एक बार मिक्स कर देंगे जिससे मसाले अच्छे से इसमें मिल जाएं। ये देखिए, अब हम इसमें मसाले ऐड करने वाले हैं। ये मसाले हमने पहले से ही अपने 1 किलो भिंडी के अकॉर्डिंग लिए थे, मिक्स कर देते हैं। अब एक बार फिर से मिक्स करेंगे। हमने भिंडियों को पहले ही धोने के बाद हल्का सुखा कर काटा था क्योंकि ये बाद में लस लसापन चिपचिपापन सा छोड़ती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सुखा कर ड्राई काटें और इसे हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं क्योंकि ये तार जैसा चिपचिपापन छोड़ने लग जाती हैं अगर हम इनको कम गैस पर बनाते हैं तो। इसलिए हमने इनको मीडियम फ्लेम पर रखा है, इससे इनमें चिपचिपापन नहीं आएगा और ये बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, मैं इन्हें खुले पर ही पका रही हूँ, इससे बिल्कुल भी ढका नहीं है। ढकने से इसमें ज़्यादा लार जैसा चिपचिपापन आ जाता है, इसलिए मैं इसे ओपन बना रही हूँ। ये देखिए, भिंडी लगभग बनने वाली है। अब हम इसमें खटाई के लिए टमाटर का यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें टमाटर डालेंगे। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी। अब इसे थोड़ी देर और पकने दूँ। ये देखिए, हमारी सब्जी पूरी तरीके से पक के तैयार है, सर्व करने के लिए एकदम रेडी है लगता। ये देखिए, कलर कितना अच्छा आया है और इसमें बिल्कुल चिपचिपापन भी नहीं है। अब हम गैस को थोड़ी देर में बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आपने इसे अच्छे से समझ लिया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका